आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी मैम, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हेतवाभास। हेतवाभास होता क्या है? जिस तरह से हम वेस्टर्न लॉजी में फैलेसी पढ़ के आई है ना, फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी, वैसे ही जो इंडियन लॉजी है उसमें फैलेसी को हेतवाभास बोलते हैं। हेतवाभास यानी कि कोई चीज होने का हमें आभास तो होता है, लेकिन वो वास्तव में वो होती नहीं है। जैसे किस तरह से, यानी कि एक तरह से भ्रम होता है हमें किसी चीज के होने का। जैसे हम अंधेरा है, वहां पे रस्सी गिरी हुई है और हम कई बार उसको ये समझ लेते हैं कि सांप है, तो क्या है वो? वास्तव में तो रस्सी है ना, वो सांप नहीं है, लेकिन उसके सांप होने का भ्रम है ना, जो वो होता है हेतवाभास। हेतवाभास फैलेसी के 5 प्रकार हैं। पहले आप ये पार्ट लिख लीजिए, स्व्यभिचार। सेकंड क्या होता है? विरुद्ध। विरुद्ध। थर्ड है सत प्रतिपक्ष। फोर्थ है असिद्ध। फिफ्थ है बाधिता। एक है बाधित, नेक्स्ट वाला असिद्ध। हेतवाभास के 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है सत प्रतिपक्ष, स्व्यभिचार। स्व्यभिचार के 3 टाइप्स होते हैं, साधारण, असाधारण अनुपसहारी। सेकंड है विरुद्ध। थर्ड है सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष के भी 3 टाइप्स होते हैं, सॉरी सत प्रतिपक्ष के नहीं, असिद्ध के 3 टाइप होते हैं। पहला है आश्रय असिद्ध। सेकंड है स्वरूप सिद्ध। थर्ड है व्याप्त असिद्ध। फोर्थ टाइप होता है बाधिता।
सभी ने लिख लिया ये। हेतवाभास, उसके पांच प्रकार होते हैं। पहला है सव्यभिचार, उसके होते हैं तीन टाइप्स, साधारण, असाधारण, अनुपसारी। सेकंड होता है विरुद्ध। थर्ड होता है सत प्रतिपक्ष। फोर्थ होता है असिद्ध। असिद्ध के भी तीन प्रकार होते हैं, आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध, व्याप्त असिद्ध। फिफ्थ होता है बाधिता। ये सभी लिख चुके। अब ये होते क्या है, अब हम इसको करते हैं डिटेल में। सव्य विचार क्या होता है? देखो, एक तो है कि आप इनको जैसे इसमें दिया गया है मीडर्स मेजर्स के नाम से याद करेंगे, साथ के साथ हम इनको कुछ वर्ड के साथ जोड़ के तब उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। सव्य विचार में क्या होता है, इसमें जो मेजर टर्म है और मिडल टर्म्स है, यहाँ पे रिलेशन मेजर टर्म, मिडल टर्म और माइनर टर्म के बीच का होगा। ये सभी को पता है ना, मेजर कौन सी होती है, मिडल कौन सी होती है और माइनर कौन सी होती है? या अभी भी कोई ऐसा जिसको अभी नहीं पता? देखो, हमें कोई स्टेटमेंट दी जाएगी, ये स्टेटमेंट, इसके अंदर जो बिकॉज के बाद यूज होती है वो होती है मिडल टर्म। बिकॉज से जो पहले वाली होती है वो होती है मेजर टर्म, और स्टार्टिंग में जो सबसे स्टार्ट में शुरू होती है वो होती है माइनर टर्म। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? सव्य विचार को इरेगुलर मिडल भी बोलते हैं, यानी कि इसमें जो मिडल टर्म कैसी होगी, इरेगुलर होगी। देखो, यहाँ पे इसके नाम से थोड़ा थोड़ा हमें कुछ वर्ड वो कर रहा है, विचार विचार सव्य विचार, यहाँ पे हम विचार को इसको याद रखने के लिए इसको से जोड़ेंगे कि विचार विचार कैसे होते हैं, इरेगुलर से होते हैं। कभी अच्छी सिचुएशन होती है तो बहुत पॉजिटिव होते हैं, कई बार जैसे मार्क्स कम आते हैं या फिर एग्जाम्स नहीं निकल पाता तो वो कैसे बन जाते, थोड़े नेगेटिव से बन जाते कि हाँ मुझसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो हमारे विचार कैसे होते हैं, इरेगुलर होते हैं। उसी तरह सव्य विचार ये कैसा होता है, इरेगुलर मिडल टर्म। अब इरेगुलर मिडल टर्म भी कैसी होती है, इसके होते हैं तीन टाइप्स, साधारण, असाधारण और अनुपसहारी। साधारण में जो मिडल टर्म्स होती है वो कैसी होती है, बहुत वाइड होती है। आपको ये याद रखना है कि किसमें वाइड होती है, किसमें नैरो होती है। साधारण में मिडल टर्म कैसी होती है, वाइड होती है। असाधारण में मिडल टर्म कैसी होती है, नैरो होती है। अब इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे मिडल टर्म्स क्या है, इसके अंदर मिडल टर्म कौन सी है बताओ, मैंने अभी बताया। इट इज नॉलेजबल, या मिडल टर्म कौन सी है, नोएबल। माइनर टर्म कौन सी है, हिल मैम, हिल लिखी है ना, हिल। मेजर टर्म कौन सी है, फायर। इनके जो स्टार्टिंग वाला वर्ड है वो हो गया माइनर टर्म, बिकॉज से एकदम पहले वाला वर्ड हो गया मेजर टर्म, और जो लास्ट में वर्ड यूज हुआ है वो हो गया मिडल टर्म। ठीक है, अब हम इसमें बोला है कि मिडल टर्म कैसी होनी चाहिए, वाइड होनी चाहिए। अब हमें पता है इसमें मिडल टर्म कैसी है, नोएबल है। ये नोएबल कैसा वर्ड है, कैसा लग रहा है आपको, वाइड है या नैरो है, कैसा वर्ड है ये बहुत वाइड है।
देखो नोएबल हम सभी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। नोएबल में सिर्फ हम फायर को नहीं जानते, सिर्फ अग्नि को, उसको हिल्स को नहीं जानते, नोएबल में सब चीजें आती है। हम किसी भी चीज को जान सकते हैं, अर्थ को जान सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को जान सकते हैं। यानी कि नोएबल वर्ड है ना, कोई ऐसा नहीं है कि मैं स्पेसिफिक सिर्फ एक वर्ड के लिए ही यूज कर पाऊंगी, किसी और के लिए यूज ही नहीं कर पाऊंगी। नोएबल मैं किसी भी चीज के लिए यूज कर सकती हूँ ना। तो ये कैसी हो गई, ये हो गई वाइट ड्रम। तो आपको एग्जाम्पल्स वहां पे यही एग्जाम्पल मिलेंगे जो इसमें दिए गए हैं। इनमें बस थोड़ा सा वो फेर बदल कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह के एग्जाम्पल्स होंगे। तो आपको वहां पे देखना है कि वर्ड कैसा दिया गया है। तो आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि साधारण में कैसा होगा, मिडल टर्म्स कौन सी होगी, वाइड होगी। और आपको पता होना चाहिए वो वर्ड कैसा है, नो वाइड है या नैरो है। असाधारण में मिडल टर्म कैसी होती है, नैरो होती है। यहाँ पे मिडल टर्म कौन सी है, एनीवन? मिडल टर्म्स ऑडिबल कौन, ऑडिबल ऑडिबल मतलब ऑडिबल? यहाँ पे क्या है, मिडल टर्म्स है। यहाँ पे मिडल टर्म ये किस तरह का दिखाई दे रहा है आपको? नैरो क्योंकि देखो यहाँ पे हम रिलेशन देख रहे हैं मिडल टर्म्स और माइनर, इसके माइनर टर्म के बीच में। यहाँ पे देखो ऑडिबल है, ऑडिबल मैं सिर्फ साउंड के लिए यूज कर सकती हूँ। ऑडिबल नैरो है, क्यों? क्योंकि ये हम सिर्फ एक चीज के लिए यूज कर सकते हैं। मैं साउंड के लिए ऑडिबल यूज कर सकती हूँ, क्या मैं किसी और चीज के साथ ऑडिबल वर्ड यूज कर सकती हूँ कि वो चीज ऑडिबल है? क्या मैं देखने की चीजों, इस पीडीएफ के लिए ऑडिबल वर्ड यूज कर सकती हूँ? नहीं मैम क्या मैं सूंघने की शक्ति के लिए ऑडिबल वर्ड यूज कर सकती हूँ? नो मैम तो ऑडिबल क्या है, ऑडिबल मैं सिर्फ साउंड के लिए ही यूज कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये कैसी हो गई, ये हो गई नैरो। तो इसको क्या बोलते हैं, असाधारण। इसको हम किस तरह से याद रख सकते हैं कि मान लो कोई बहुत ही नैरो गली है, उसमें से कोई साइकिल निकलना या फिर किसी दो चार लोगों का एक साथ निकलना कैसा होता, एकदम असाधारण सा लगता है कि उसमें से कोई निकल नहीं सकता। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है अनुपसहारी। यहाँ पे आपको सिर्फ इसके एक वर्ड वर्ड के साथ इसका की पॉइंट है नॉन। जहां पे भी आपको जिस स्टेटमेंट में भी नॉन मिलेगा वहां पे कैसी होगी, वो अनुपसहारी होगी, ठीक है? आपको यहाँ पे अनुपसहारी में सिर्फ ये याद रखना है कि जिस एग्जाम्पल में या जिस स्टेटमेंट में नॉन लगा होगा वो अनुपसहारी होती है। यानी कि इसमें क्या होता है, अगर हम इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें जो मिडल टर्म्स होती है वो नॉन एक्सक्लूसिव होती है, और माइनर टर्म कैसी होती है, ऑल इंक्लूसिव होती है। यहाँ पे मिडल टर्म कौन सी है, नोएबल? नोएबल ऑल नहीं नॉन इंक्लूसिव, मतलब वो सीमित नहीं होती, उसका कोई दायरा नहीं होता, बाउंड्री नहीं होती। तो नोएबल कैसा है, यहाँ पे बिना बाउंड्री के वो किसी भी चीज के लिए यूज किया सकता है। ऑल इंक्लूसिव यानी कि इसमें सभी चीजें आ जाती है, ऑल थिंग्स में सभी चीजें आ गई। अब ये नहीं पता ये किन चीजों के बारे में बोल रहा है, इसने बोला कि सब की सब चीजें। तो आपको इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि आप याद रख लो की पॉइंट क्या है, नॉन, जिसमें नॉन लगा हो वो होगा अनुपसहारी। विरुद्ध, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज क्या कर रही है, एक दूसरे का विरोध कर रही है। कॉन्ट्राडिक्ट, मिडिल टर्म कैसी होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होती है, एक दूसरे का विरोध करती है। अब इसमें बताइए कि इसमें हम रिलेशन देखते हैं मेजर टर्म और मिडिल टर्म के बीच में। अब इसमें बताइए मेजर टर्म कौन सी है, हैवी हैवी? माइन, वो माइनर टर्म कौन सी है, एयर द एयर मिडिल टर्म कौन सी है? एम्प्टी मैम अब क्या आपको यहाँ पे ये दिखा, ये हो गई मेजर टर्म, ये हो गई मिडल टर्म। अब यहाँ पे क्या रूल है कि वो एक दूसरे का क्या करे, विरोध करे। कौन कौन सी,
मिडल और मेजर, आपको इस लाइन से देख के क्या पता चल रहा है? उसने बोला है द एयर इज हैवी बिकॉज इट इज एम्प्टी। यहाँ पे उसने क्या दो वर्ड यूज किया, लेकिन वो दो दोनों वर्ड क्या कर रहे, एक दूसरे को विरोध कर रहे, उस एक दूसरे का कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हैवीनेस किस चीज का विरोध कर रहा है? एमपीटी का। इसने बोला कि हवा कैसी होती है? भारी होती है, क्योंकि वो कैसी होती है? खाली होती है। अगर हवा खाली है तो वो भारी नहीं हो सकती। तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे दो ऐसे वर्ड यूज कर दिए जो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। इसके नाम से ही जैसे पता चल रहा है, विरोध का मतलब वो दो चीजें एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। आप उसके नाम से ही समझ सकते हो उस एग्जाम्पल में। नेक्स्ट है हमारा सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष के अंदर क्या होता है, दो ये लगा लो कि दो स्टेटमेंट होती है एक तरह से, उसमें क्या होता है दो मिडल टर्म्स होती है और वो दोनों मिडल एक दूसरे का विरोध करती है। दो मिडल टर्म्स होती है, दोनों मिडल टर्म्स एक दूसरे के क्या होता है, एक दूसरे के विरोध में होती है। यानी कि एक तरफ वो पॉजिटिव वे में बात कर रही होती है, एक वे में वो नेगेटिव वे में बात कर रही होती है। एग्जाम्पल से देखते हैं। इसने बोला साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। देन उसने बोल दिया एंड साउंड इज नॉन एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। अब इसमें उसने क्या कर दिया, देखो एटर्नल मीन्स होता है शाश्वत, जो चीजें शाश्वत है, यानी कि ना जिसका जन्म होता है ना जिसकी मृत्यु होती है। ठीक है, और नॉन एटर्नल क्या हो गई, यानी कि जो पैदा भी होता है और जिसकी मृत्यु भी होती है, जो नष्ट भी होता है। ठीक है, तो एक तरफ तो उसने क्या बोला, एक तरफ बोला कि साउंड कैसी है, एटर्नल है, यानी कि साउंड कैसी है, शाश्वत है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, ऑडेबल है, सुनाई देती है। हाँ ये हम मान सकते हैं कि वो ऑडेबल है तो वो शाश्वत हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं जो पहले से थी और लगातार है, वो ना तो हमें पता है कि वो कैसे आई है, ना हमें पता है कि वो नष्ट कैसे होंगी। तो हम एक तरह से अगर मान लो हम ये मान के चलते, अगर इस स्टेटमेंट को हम ट्रू मान के चलते, उसने बोल दिया साउंड क्या है, एटर्नल है, क्योंकि वो ऑडेबल है। देन सेकंड वो बोल रहा है कि साउंड कैसी है, नॉन एटर्नल है, यानी कि वो शाश्वत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है, यानी कि वो क्या होती है, पैदा की जा सकती है। अब मुझे इसमें बताए कि दो मिडल टर्म्स कौन कौन सी है, यहाँ पे दो मिडल टर्म्स है वो कौन कौन सी है? ऑडिबल और प्रोड्यूस्ड। हाँ, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि बिकॉज के बाद जो वर्ड यूज होता है जो वो है, तो वो होगा हमारी मिडल टर्म्स। यहाँ पे ऑडेबल है, यहाँ पे बिकॉज के बाद क्या है, प्रोड्यूस। प्रोड्यूस और ऑडेबल, क्या आप लोगों को ये कॉन्ट्राडिक्ट दिखाई दे रही है या नहीं? सॉरी, यहाँ पे क्या दे रही है रिलेशन है, सास। यहाँ पे देखो एक चीज के लिए वो किस चीज, ऑडिबल चीजों को प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला, एक तरफ तो वो ये वर्ड का यूज यानी कि एटर्नल का यूज किसके लिए कर रहा है, एक तरफ तो उसने एटर्नल का यूज किया, दूसरी तरफ उसने नॉन एटर्नल का यूज किया। यानी कि एक तरफ वो पॉजिटिव वे में बात कर रहा है, एक तरफ वो नेगेटिव वे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सत प्रतिपक्ष। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दो सेंटेंस मिलेंगे, तो उसमें दोनों जो टर्म्स होंगे वो एक दूसरे का क्या, किस चीज वे में यूज होंगे, वो एक दूसरे का विरोध कर रही होंगी। एक तरह से हम ये लगा लेते, मान लो हम अल्कोहल का एग्जांपल लेते। ठीक है, हम बोलते कि कुछ अल्कोहल की कुछ मात्रा है ना कोल्ड में, या फिर जो अस्थमा के पेशेंट है ना उनके लिए अच्छी होती है। देन सेकंड मैंने सेकंड बोल देते कि जो अल्कोहल है ना उससे क्या होता है, लीवर डैमेज होता है। यानी कि एक तरफ तो उसने उसके पॉजिटिव वे में बात की, एक तरफ उसने नेगेटिव वे में बात की उसके उसने। ठीक है, नेक्स्ट है बाधिता। यानी कि एक तरह से हम क्या लगा सकते हैं कि जो चीजें किसी के प्रूफ होने में बाधा पहुंचा रही हो। इसमें क्या है कि जो मिडल टर्म है ना वो डिसप्रूव की जाती है किसी अदर प्रमाण्स के द्वारा। यहाँ पे मिडल टर्म कौन सी है, सब्सटेंस है। देखो यहाँ पे जो हमारी सेंटेंस दिया गया है वो
किस वे में है कि वो अपने आप से किसी और प्रमाण के द्वारा क्या हो रहा है, डिसप्रूव हो रहा है, यानी कि असिद्ध हो रहा है। कैसे? यहाँ पे उसने सेंटेंस दे दिया, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज ए सब्सटेंस। फायर कैसी है? ठंडी है। क्यों? क्योंकि यह एक पदार्थ है। क्या, लेकिन क्या फायर कोल्ड होती है? बोलो। नहीं होते हैं। होती है? होती। तो इसने पहले ही क्या कर दिया, उसने पहले ही दो टर्म्स को क्या कर दिया, उसने बोला कि फायर कैसी है, कोल्ड है। अब जो फायर के कोल्डनेस होने का जो डिसप्रूव है वो किसने कर दिया? किसी और प्रमाण ने कर दिया, यानी कि फायर ठंडी नहीं होती। ये किस चीज, किसने प्रूफ कर दिया? अदर प्रमाण ने। अदर प्रमाण में कौन सा होता है? प्रत्यक्ष। हमें प्रत्यक्ष रूप से पता है कि फायर ठंडी नहीं होती, क्योंकि अगर हम अग्नि, जो आग है, उसके ऊपर अगर हाथ लगाएंगे तो हमें पता होता है कि हाथ क्या होता है, जलता है। वो कैसी लगती है? वो गर्म लगती है। तो क्या किया प्रत्यक्ष प्रमाण ने, उसको क्या कर दिया? डिसप्रूव कर दिया। देन करते हैं असिद्ध। असिद्ध, इसके नाम से ही वो पता चल रहा है कि जो चीज है नहीं, जिसका अपना कोई स्वरूप नहीं है, यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती रियल में, वो हो गई असिद्ध। असिद्ध में जैसे शैडो आर लिक्विड बिकॉज इट हैज स्पीड। क्या शैडो की कोई स्पीड होती है? नहीं होती, क्योंकि शैडो किस चीज की होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की होती है। वो जिस स्टेट में रखा होगा ना, उसकी शैडो उसी तरह की होगी। उसकी स्पीड, उसके स्पीड के इंक्रीज डिक्रीज करने से शैडो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो कोई सामान यहाँ पे रखा हुआ, उसकी शैडो पड़ रही है, तो अगर वो सामान वहां पे जब तक स्थिर है, वो वैसे ही शैडो रहेगी उसकी। जब वो चल रहा है तो शैडो भी उसके साथ वैसी ही बनी रहती है, उसकी शैडो में कोई चेंज नहीं होता। इसके तीन टाइप्स कौन कौन से है? आश्रय असिद्ध, स्वरूप। पहला है आश्रय असिद्ध। देखो, आश्रय असिद्ध, इसके नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज का आश्रय नहीं है, यानी कि वो रियल में वो चीज है ही नहीं। अब यहाँ पे आपको जो भी एग्जाम्पल मिलेंगे वो इस तरह के मिलेंगे कि वो चीजें होती ही नहीं है। यहाँ पे माइनर टर्म्स कैसी होगी? फॉल्स होगी, यानी कि उनका वास्तव में कोई सब वो है ही नहीं। यहाँ पे जैसे स्काई फ्लावर, यहाँ पे स्काई फ्लावर इज फ्रेग्रेंट बिकॉज इट्स इज ए लॉट्स। यहाँ पे माइनर टर्म कौन सी है? यहाँ पे माइनर टर्म्स कौन सी है? बताओ। यहाँ पे माइनर टर्म्स होगी जो स्टार्टिंग में यूज हुई है, स्काई फ्लावर। आता क्या आपने कभी स्काई फ्लावर सुना है? तो नहीं सुना। वो क्या है? उसका आश्रय ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती वहां पे, एग्जिस्ट ही नहीं करती वहां पे। तो क्या हो गया, ये कैसी हो गई? आश्रय असित, यानी कि जिसका आश्रय ही नहीं है। ठीक है, आगे आ गया स्वरूप सिद्ध। स्वरूप सिद्धि में क्या होता है? देखो, आश्रय असिद्ध में और स्वरूप असिद्ध में एक डिफरेंस होता है। आश्रय असिद्ध में वो चीज होती ही नहीं है, लेकिन स्वरूप असिद्ध में क्या होता है? वो चीजें होती तो है, लेकिन वो किसी दूसरी चीज के साथ अपना क्या नहीं बना पाती, वो मेल नहीं बना पाती उस चीज के साथ। अब यहाँ पे मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यहाँ पे साउंड इज ए क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल। यहाँ पे माइनर टर्म कौन सी है? साउंड। मिडल टर्म्स कौन सी है? विजिबल। देखो, साउंड होती है यहाँ पे स्वरूप असिद्ध में, यानी कि उसका माइनर टर्म का क्या है? स्वरूप तो है, वो होती है, प्रेजेंट होती है, साउंड होती है ना। लेकिन वो जो दूसरा वर्ड है, यानी कि जो मिडल टर्म्स है, उसके साथ क्या है, वो मेल नहीं बैठा पा रही। क्या साउंड को देखा जा सकता है? इसको नहीं मैम। एक तरह से आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो कि जैसे मान लो
अपने जींस डाली है और शर्ट डाली है, ठीक है, वो शर्ट भी अपने आप में बहुत अच्छी है, जींस भी अपने आप में बहुत अच्छी है, लेकिन जब आपने वो दोनों एक साथ पहनी है तो वो एक दूसरे के साथ क्या नहीं कर रही, वो एक दूसरे के साथ अच्छी नहीं लग रही। ये उसी तरह से है कि वो दोनों अपने आप में अच्छी है, वो दोनों अपने आप में उनका स्वरूप है, लेकिन वो क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं बना पा रही, वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती, जैसे यहाँ पे साउंड और विजिबिलिटी मैच नहीं करती। नेक्स्ट आता है व्याप्त असिद्ध। व्याप्त असिद्ध में क्या होता है, देखो हम एग्जाम्पल पढ़ते आए हैं कि जहां पे भी धुआं है ना वहां पे अग्नि 100% होगी। मैं बोल सकती हूँ कि जहां पे स्मोक है ना वहां पे जो फायर है वो कैसी होगी, 100% होगी। लेकिन क्या मैं इसका रिवर्स बोल सकती हूँ, क्या मैं ये बोल सकती हूँ जहां पे फायर है वहां पे 100% स्मोक होगा, यस और नो? नो मैम, नहीं बोल सकती, क्योंकि देखो हमें ये तो पता जहां से धुआं निकलता है वहां पे 100% आग ही मिलेगी, क्योंकि आग के कारण ही वो धुआं निकल रहा है। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती कि जहां पे आग होती है वहां पे धुआं भी 100% होता है। अगर हम अपनी जैसे रसोई का एग्जांपल ले, रसोई में भी अगर हम चूल्हे का एग्जांपल ले जहां पे हम लकड़ी जलाते हैं तो वहां पे आग के साथ क्या है, धुआं है। वही अगर हम जो ये गैस सिलेंडर चले हुए इसमें एग्जांपल है, वहां पे फायर तो होती है लेकिन क्या वहां पे धुआं होता है? नहीं होता ना। तो जी इसी तरह से इसमें क्या है, इसने जो टर्म्स दी गई है हम, इसने बोला है द हिल है स्मोक, हिल के पास क्या है, स्मोक है, क्यों, बिकॉज इट हैज फायर, पहाड़ी में क्या है, धुआं है, क्योंकि उसमें आग है। यानी कि उसने क्या रिवर्स वाला बोल दिया, उसने बोल दिया कि वहां पे धुआं है, अब उसे रियल में नहीं पता कि वहां से धुआं निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, उसने अज्यूम किया है कि वहां पे धुआं है। तो मैंने पूछा किस बेस पे आपने ये अज्यूम किया है कि वहां पे धुआं, आपको कैसे पता, वहां पे तो दिखाई नहीं दे रहा। तो देन उसने बोला कि क्योंकि वहां पे आग लगी, आग है। तो ऐसा नहीं बोल सकती, ये रिवर्स हो जाएगा। मैं ये तो बोल सकती हूँ कि जहाँ पे धुआं है वहां पे 100% आग हो सकती है, लेकिन जहां पे आग है वहां पे धुआं नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। ये 100% नहीं है कि जहां पे आग होगी वहां पे 100% धुआं मिलेगा, ठीक है जी। हमारी लॉजिकल की का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको देखो, अगर आपको मिडल मेजर माइनर टर्म्स के अकॉर्डिंग करने हैं तो वो आपके सामने है, आप कर सकते हो अगर आपको उस तरह से याद रहते हैं। लेकिन नॉर्मली आप अगर इसको एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग, इसके नाम और इससे एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग इनको याद रखोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। आप एग्जांपल्स में कुछ वो पॉइंट्स को ऐसे बनाइए ट्रिक्स के अकॉर्डिंग जिससे आपको ये याद रह जाए। अब एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब ये बताइए स्व्यभिचार में क्या होता है, स्व्यभिचार का दूसरा नाम क्या है? इरेगुलर मिडिल। इरेगुलर मिडिल यहाँ पे आप सीधा इसके नाम से याद कर सकते हो, स्वयं विचार, यानी कि इसमें क्या आपको क्या वर्ड थोड़ा थोड़ा क्या वर्ड सुनाई दे रहा है, विचार। यहाँ पे मैं आपको याद करने का वो बता रही हूँ कि आपको किस तरह से इसको याद कर सकते हो, बाकी रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया। विचार, विचार कैसे होते हैं, इरेगुलर होते हैं, तो इसका सेकेंड नाम क्या है, इरेगुलर मिडल। यहाँ पे इरेगुलर मिडल कितनी तरह की होती थी, तीन, पहली साधारण, असाधारण, साधारण असाधारण और अनुपसारी। साधारण में मिडिल टर्म्स कैसी होती है, वाइड मैम। हाँ, तो साधारण में मिडिल टर्म कैसी होती है, वाइड होती है। वाइड में हम क्या लेके चले थे, क्या होते हैं वाइड,
नोएबल बहुत वाइड वर्ड है, तो आप इसका उस तरह से एग्जांपल याद कर सकते हो जहां पे नोएबल वगैरह इस तरह का वर्ड होगा एज इमीडिएट टर्म्स में वहां पे यूज हुआ होगा। तो कैसी हो गई, साधारण? असाधारण में क्या होता है, कैसी होती है मेजर टर्म्स? नैरो नैरो। तो आप कैसे याद रख सकते हो, यहाँ पे हो गई वाइड, यहाँ पे हो गई नैरो। यहाँ पे आप नैरो किस तरह से याद रख सकते हो, असाधारण, मतलब किसी नैरो गली में से निकलना बहुत ऐसा लगता है, बहुत असाधारण लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि सामान्य सी बात अगर कोई ऐसे कर रहा वहां से किस निकाल के लेके जा रहा है तो कैसा हो गया, असाधारण। अनुपसहारी में हमने एक की पॉइंट किया याद किया था, क्या था वो? नॉन। नॉन। अनुपसहारी में आप नॉन वर्ड का यूज ये याद कैसे रख सकते हो, जैसे कोई किसी का संहार संहार कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर क्या कर रहा है, अत्याचार कर रहा है इस तरह से, तो हम क्या बोलते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, वहां पे हम क्या करते हैं उसका, वहां पे क्या बोलते हैं उसको, नो नहीं ऐसा मत करो, तो वहां पे आप इसको नॉन वर्ड से यूज याद रख सकते हो। विरुद्ध, विरुद्ध में क्या था, एक दूसरे का अपोज करना, मिडिल एक दूसरे का वो और क्या कर रहे हैं, हाँ, मेजर टर्म्स और मिडिल टर्म्स क्या कर रही है, एक दूसरे का अपोज कर रही है, यानी कि वो इस सेंस में यूज कर रही है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट है। अब यहाँ पे कौन सा, कौन सी ऐसे वर्ड थे जो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट थे? क्या एग्जाम्पल कर एयर दिया है? एयर एयर था, हैवी था और एम्प्टी था। हाँ, एयर का एग्जाम्पल था, उसमें क्या उसको एक एक उसको हैवी बोला गया था और साथ में उसको एम्पिटी बोला गया था, तो हैवी और एम्पिटी एक साथ क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे एक दूसरे का। अब आ गया सत प्रतिपक्ष, जैसे इसके नाम से, नाम की कैसा बहुत बड़ा सा नाम है, तो उसी तरह से वहां पे जो उसकी स्टेटमेंट थी कैसी थी, बड़ी थी, उसमें क्या थी, दो मिडल टर्म्स थी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जिसमें दो मिडल टर्म्स हो, और वो मिडल टर्म्स भी क्या हो, एक में वो पॉजिटिव सेंस में यूज हो, एक में वो वहां पे क्या है, एक स्टेटमेंट कैसी हो पॉजिटिव और सेकंड क्या हो नेगेटिव हो, ठीक है। वहां पे हमने एटर्नल और नॉन एटर्नल वाला एग्जांपल किया था। देन आता असिद्ध, यानी कि असिद्ध इसके नाम से पता चल रहा है कि जिस चीज को सिद्ध नहीं कर सकते। अब क्या क्या था जिसको सिद्ध नहीं कर सकते, आश्रय असिद्ध में क्या था? आश्रय असिद्ध में क्या था, जो चीज है नहीं रियल में उसको? हाँ, यानी कि क्या जिसका आश्रय ही नहीं है, जो है ही नहीं एक्चुअली में, जो है नहीं, जैसे स्काई लॉर्ड्स हो गया, यानी कि आकाश का कमल हो गया, या फिर आकाश का पुष्प बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो कभी सुनाई सुनाई नहीं कि ऐसा कुछ होता है, तो वो क्या हो गया, आश्रय असिद्ध हो गया एक तरह। एक और है इसका कि इसमें ये अगर ये भी आ जाए कि सुनहरा पर्वत, सुनहरा पर्वत नहीं होता, तो आपको जो वर्ड दिया होगा वो ऐसा होगा, नॉर्मली आपको एक दो वर्ड ही देंगे, जैसे स्काई लॉर्ड्स बोल देंगे, स्काई फ्लावर बोल देंगे, सुनहरा पर्वत बोल देंगे, ठीक है। देन सेकंड क्या है, स्वरूप असिद्ध, स्वरूप असिद्ध में क्या था? स्वरूप असिद्ध में क्या था, यहाँ पे आपको पैंट और शर्ट का एग्जाम्पल याद है? हाँ मैम, दोनों मैच नहीं पाएगा हाँ, एक साथ, यानी कि वो क्या, एक एक दूसरे के साथ क्या अच्छे से स्वरूप नहीं बैठा पा रहे। आप उसमें आपने पहनी हुई है अच्छे, भले किसी भी ब्रांड की हो, लेकिन आप वो दोनों क्या करिए, एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे, वो कैसा हो गया, स्वरूप असिद्ध। यानी कि वहां पे भी आपको दो टर्म्स मिलेगी, जो माइनर टर्म्स और मिडल टर्म्स है, वो क्या होगी, माइनर टर्म्स का क्या है, वहां पे स्वरूप तो होगा लेकिन वो क्या होगा, वो मिडल टर्म्स के साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है। वहां पे एक ये शायद ये एग्जाम्पल था साउंड का और विजिबिलिटी का, यही था, ठीक है। व्याप्त में क्या था, व्याप्त असिद्ध में?
यहाँ पे हमने स्मोक और फायर का एग्जाम्पल लिया था कि वहां पे किस किस वे में, वो अपोजिट वे से उन्होंने यूज कर दिया था, ठीक है। वहां पे उसने बोला था कि वहां पे धुआं है क्योंकि वहां पे आग है, ठीक है। बाधिता में क्या था कि वो उस चीज में क्या पहुंचा रहा है, बाधा पहुंचा रहा है। इसमें कौन सा एग्जाम्पल किया था, बाधा किस चीज में पहुंच रही थी, फायर इज कोल्ड फायर वाटर। और कोल्ड वाला। हाँ, यानी कि वो क्या कर रहा था, फायर को कैसा दर्शाने की, एक तरह से आप इसको थोड़ा याद करने के लिए ऐसा कर सकते हो कि वो यह फायर को ये बोलना चाह रहे कि वो कोल्ड है, लेकिन वो हमें पता है कि कोई प्रमाण आ गया, उसने बता दे कि ऐसा नहीं होता है। हमारे प्रमाण, हमने टच करके देखा ना प्रत्यक्ष प्रमाण से, अगर अगर हम उसको जानने की कोशिश करें, मान लो हम ये किसी ने बोला कि फायर कैसी होती है, कोल्ड होती है, या वो सिद्ध करना चाह रहा है, हमने वहां पे हाथ लगाया और देन हमें पता चल गया कि वो कैसी है, गर्म है, तो ये बोल दिया कि ऐसा नहीं होता, तो वहां पे क्या पहुंचा दी, बाधा पहुंचा दी, ठीक है। तो आपका सिलेबस होता है कंप्लीट। किसी को कोई डाउट है? ठीक नहीं मैम, डाउट तो नहीं है, लेकिन मैम